हाय गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दरे। तो आज हम विजिट करने जा रहे हैं अंबरनाथ मंदिर, जो कि मुंबई से 40 से 50 किलोमीटर दूरी पे है। आप यहाँ पे आपके जो पर्सनल व्हीकल है उससे भी विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप बाय लोकल जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट घाटकोपर से अंबरनाथ स्टेशन उतर सकते हैं। आपको दोनों में भी सेम टाइम लगेगा, आप एक घंटे में बाय लोकल भी पहुँच जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मॉर्निंग में जाएँ, जस्ट बिकॉज़ मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा होता है। और आप वहाँ पे 8 o'clock तक मॉर्निंग में ट्राई कीजिए पहुँचने के लिए। और जैसे ही आप यहाँ पे, ये एक सर्कल आता है, वहाँ पे आप पहुँचते हैं तो यहाँ से आपको राइट लेना है। जैसे ही आप राइट जाते हैं आप अंबरनाथ मंदिर पहुँच जाते हैं। अगर आप लोकल से आते हैं तो आप डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से ऑटो ले सकते हैं, जिसका वो पर पर्सन चार्ज करते हैं 15 to 20 rupees। और जैसे कि देखिए, हम पहुंच गए जो है अंबरनाथ मंदिर। ये जो मंदिर है, कहा जाता है 1000 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पे अज्ञात वर्ष में पांडवों ने कुछ साल बिताए थे, जिससे उन्होंने ये मंदिर एक दिन में ही बना दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो मूर्तियाँ है, जो शिला लेख है, ये 1000 साल पुरानी है। और ये प्यारी सी गणपति जी की मूर्ति है। यहाँ पे आप जैसे ही राइट साइड जाते हैं, ये आपको कुंड दिखता है जहाँ पे गर्म पानी होता है। ऐसा कहा जाता है ये कुंड भी काफ़ी पुराना है। और ये मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं। एक्चुअली अंदर एक शिव जी की मूर्ति है, जो आपको एक फ्लोर आप कह सकते हैं नीचे उतर के जाना होता है वहाँ पे। बट वहाँ पे एक्चुअली वीडियो शूट करना अलाव नहीं था, जस्ट बिकॉज़ मैं सूट नहीं कर पाई। अदरवाइज़ जो मंदिर है उसके 3 दरवाजे हैं, फर्स्ट राइट साइड में, देन लेफ्ट है, देन एक एंट्रेंस पे है। आप ये चेक कर सकते हैं, ये जो मैंने कुछ पिक्चर्स डाले हैं। मैं आपको बोलूँगी आप विज़िट कीजिए, अंदर की मैंने एक पिक ली है। और मैं आपको बोलना चाहूँगी आप मॉर्निंग में जाइए, 8 बजे तक आप मॉर्निंग में पहुँच जाइए, जस्ट बिकॉज़ आरती स्टार्ट होती है वहाँ पर 8:15 को।